ग्वालियर में कट्टे की नोक पर एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बता दें कि आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने एक युवक को घेरा और फिर उसके साथ जमकर मारपीट की। इस घटना का वीडियो सीसीटीवी पर वायरल हुआ है। बता दें कि जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पूरा घटनाक्रम मुरार थाना क्षेत्र के बंसीपुरा इलाके का है, जहाँ एक युवक को कट्टे की नोक पर रोका गया और फिर बदमाशों ने गुंडागर्दी दिखाते हुए उसके साथ मारपीट की। पीड़ित युवक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। ऐसे में मुरार थाना पुलिस ने वारदात के दो बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया है, तो वहीं एक अन्य साथी जो फरार बताया जा रहा है उसे ही जल्द पकड़ने की बात पुलिस लगातार कर रही है। गौरतलब है कि अभी तक ये बात सामने नहीं आ सकी है कि बदमाशों ने आखिर किस कारण के चलते युवक के साथ मारपीट की। ऐसे में फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को गुंडागर्दी और रोब जमाने से जोड़कर भी देखा जा रहा है। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें तीन लोग वेपन्स को शो कर रहे थे, तो इसमें चूंकि जब आइडेंटिफिकेशन किया गया तो मुरार क्षेत्र के निकले बंसीपुरा के, तो इसमें तत्काल टीआई मुरार को बताया गया और पूरी टीम लगाई गई। तो मुरार की टीम के द्वारा इनमें से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और दो आरोपियों से दो वेपन्स भी जब्त कर लिए गए हैं और तीसरे आरोपी की तलाश जारी है।